तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहने बने बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार देंगे। ये जो सुनियोजित घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसमें किसी कट्टरपंथी संगठन का रोल अवश्य आएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें। नमस्कार, टाइम टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं इस वक्त हल्द्वानी के रास्ते पर हूं। वही हल्द्वानी जहां पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के पीछे एक बड़ी साजिश को लेकर शक जताया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ तो ये पूरा हमला क्या एक सुनियोजित साजिश थी? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेकर आई तो क्या ये उसके पीछे की गुस्सा है, क्या एक आक्रोश है, और क्या हल्द्वानी को एक तरीके का लैब बनाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर अतिक्रमण हटेगा तो जान से मार देंगे क्या, क्योंकि तौकीर रजा जैसे मौलाना ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर मैं बातचीत करूं, सवाल आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां पर कल अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ना सिर्फ हमला हुआ, ना सिर्फ पत्थरबाजी की गई, बल्कि पेट्रोल पंप से भी हमला किया गया। थाने को आग के हवाले कर दिया भीड़ ने। वहीं आज बरेली की दूसरी तस्वीर है, जहां पर तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे थे, गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए थे। तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया और फिर तौकीर रजा के समर्थक भीड़ ने हल्द्वानी की घटना पर CM पुष्कर धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये दोनों तस्वीरें आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। दो तस्वीरें आपने देखी। इससे पहले तौकीर रजा ने आज धमकी भरे लहजे में बयान दिया और साफ साफ कहा कि अगर हमारे घरों पर बुलडोजर चलाओगे तो जान से मार देंगे। सुनिए तौकीर रजा को। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहने बने बैठे रहेंगे, अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? धामी पागल हो चुका है। अब सुनिए तौकीर रजा कह रहे कि ये उनका कानूनी अधिकार है कि जान से मार देंगे। पता नहीं तौकीर रजा को कानून की किस धारा ने ये अधिकार दे दिया। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने गई टीम ने पहले 30 जनवरी को नोटिस दिया था। ऐसा नहीं था कि वो टीम अचानक से अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। नोटिस दिया गया था 30 तारीख को। इसके बाद टीम कोर्ट के आदेश पर, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा आगे डिबेट में होगी, कि कोर्ट के आदेश पर टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी, लेकिन वहाँ प्रशासन की टीम पर हमले की साजिश तय की गई। घरों की छतों पर पत्थर पहुंचाए गए थे पहले से, जो कि बरसाए गए टीम पर। सवाल तो ये पूछा जाएगा कि अगर ये साजिश सुनियोजित नहीं थी, जो कि कहा जा रहा है एक पक्ष की ओर से कि अचानक से हुआ, तो घरों की छतों पर पत्थर कैसे पहुंच गए? सवाल ये भी है कि अगर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो फिर उस पर इस तरीके का रिएक्शन को, और वो भी एक्शन कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो सवाल ये पूछा जाएगा उसके बाद कि क्या कोई कट्टरवादी संगठनों का हाथ है इसके पीछे, क्योंकि BJP के नेता ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तैयारी थी, इन अराजक तत्वों की छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा थे, पेट्रोल बम बना इन लोगों ने बना के रखे थे, इसकी कोई जरूर इसके पीछे कोई साजिश थी। ये जो सुनियोजित घटना हुई है, थाने पर हमला होना, पुलिसजनों पर हमला करना, आगजनी करना, कहीं ना कहीं इसमें किसी कट्टरपंथी संगठन का रोल अवश्य आएगा। अराजकता करने वाले लोग कभी कभी अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं। BJP सरकार में जीरो टॉलरेंस है हिंसा के प्रति, अराजकता के प्रति और सांप्रदायिकता के प्रति। अन्याय किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून BJP सरकार में दंड देना जानता है, और एक पीढ़ी नहीं, तीन तीन पीढ़ी दंड को याद रखेगी। हल्द्वानी की घटना हुई, हिंसा हुई, तो इस पर विपक्षी दल BJP पर हमलावर है। RJD तो सवाल पूछ रही है कि यह अमृतकाल है या विष का। सुनिए, आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? सौहार्द क्यों बिगड़ रहा? और ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं, पूरे देश से ऐसी छवियां आ रही हैं। किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह अमृतकाल है या विषकाल बना रहे हैं? मैं ये सवाल पूछता हूँ केंद्र की भी सरकार से और उत्तराखंड की धामी सरकार से भी। उत्तराखंड की सरकार
लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल है। और अभी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही व्यस्त हैं और यहाँ जनता की सुरक्षा की चिंता उनको नहीं है। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है उस पर तो बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वहाँ कौन सा जंगल राज चल रहा है। कल हिंसा की घटना हुई तो उसके बाद उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है, एक्शन में है। उत्तराखंड के तमाम आला अधिकारी हल्द्वानी में कैंप कर चुके हैं, हालात का उन्होंने जायजा लिया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुनिए, जो कानून है देश का वो लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द हल्द्वानी में स्थिति सामान्य की जाएगी, चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो या बाजार खोलने की बात। रेलवे के अधिकारियों से भी हम लोगों की वार्ता हो गई और मेरा आपके माध्यम से हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील है सभी नागरिकों से कि कोई अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें। अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था, उससे मैं समझता हूं काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूँ जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि हल्द्वानी में हिंसा आगजनी, आखिरकार किसने लिखी दंगे की कहानी। सवाल ये भी कि UCC का विरोध हल्द्वानी में ये कोई संजोग नहीं बल्कि ये प्रयोग का हिस्सा है क्या। सवाल ये भी है कि मौलाना आखिर भड़काते क्यों हैं? यूपी सबका है, उत्तराखंड सबका है, ये देश सबका है, ये समझते क्यों नहीं है। सवाल ये भी है कि योगी धामी माफ नहीं करेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। विक्रम सिंह जी हमारे साथ है, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, मुफ्ती वजाहत कासमी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, राशिद शरीफ जो कि अध्यक्ष हैं SIMPLB के, हाजी मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राशिद शरीफ मैं आपसे सबसे पहले शुरू कर रहा हूं, जान से मार देंगे वहां पर जहां पर अतिक्रमण था, टीम हटाने गई, कोर्ट के आदेश पर गई, बुलडोजर चला, नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद क्या तो गलत है और क्या तो फिर कोर्ट, क्या तो फिर हम जान से मार देंगे ऐसी धमकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ ऐसे आप ये कोर्ट के जितने ऑर्डर्स आते हैं सिर्फ मुसलमानों पे आते, मस्जिद पे आते, मदरसों पे आते, घरों पे आते, दूसरों पे नहीं आते सर। क्यों जान से मार देंगे? मार दीजिए आप लोग, घर खत्म कर दीजिए। घर एक घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती सर। बुलडोजर तो इतना आम हो गया आजकल, बुलडोजर सिंबल बुलडोजर। राशिद शरीफ सुनिए, तौकीर राजा ने कहा था कि जान से मार देंगे, बुलडोजर मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। और या तो पहले बोल दीजिए कि कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, कोर्ट जैसी संस्था को हम नहीं मानते हैं, हमारे हिसाब से देश चलेगा। आप ये चाहते हैं ये बोलिए ना पहले। फिर बिल्कुल सर बोल रहा हूँ ना सर, पूरा बुलडोजर हमारे ऊपर ही लगा दो। आप घरों पे लगाओ, मदरसों पे लगाओ, मस्जिदों पे लगाओ, सब जगह हम ही है और कोई दूसरा हिंदुस्तान में रह रही नहीं, मुसलमान के सिवा, मुसलमान के एरियों के सिवा, मस्जिद मदरसों के सिवा कुछ दिखना नहीं। और बुलडोजर काम भी इधर ही करेगा, आप चाहे वो कोर्ट का आदेश लेके तोड़ो, चाहे CM साहब का ऑर्डर लेके तोड़ो, पर तोड़ो तो सिर्फ हमारे ही तोड़ो और दूसरों के। राशिद शरीफ पहले एक बात बताइए। अरे सुनिए भाई, इतना मत उत्तेजित होइए। राशिद शरीफ एक बात बताइए, कहीं भी मस्जिद, कहीं भी मदरसा बन जाएगा क्या? और मैं ये बात सिर्फ मस्जिद मदरसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात मंदिर के लिए भी कहूंगा, ये बात हर धर्मों की जहाँ पर पूजा होती है उसके लिए कहूंगा। कहीं पर बना लेंगे, सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, किसी की जमीन है, कहीं भी बना लेंगे, उसके बाद क्या तो हमारी जमीन है। अरे सर, सरकार आके 75 साल 100 साल से मसाजिद है उसको टारगेट बना रहे आप लोग, जबकि हिंदुस्तान का नाम वो निशान नहीं था, जबकि मस्जिद आए, जबकि आपके उस वक्त के मस्जिदों को टारगेट बना रहे। अगर आपके अगर बना रहे तो समझ में आती बात। ये आप देखिए, आप सुनहरी बाग मस्जिद कब की है, आज आप कोशिश कर रहे हो उसको। जितने भी मसाजिद है जो पुराने हैं, राशिद शरीफ मैं सुनहरी बाग मस्जिद पर नहीं जा रहा हूँ, थाने को
अच्छा रुक जाइए, रुकिए 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 रुकिए, मैं आऊंगा दोबारा आप पर। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्या क्या मस्जिद मदरसा कहीं भी बन जाएगा? पहले तो कहा जाता कि भाई जो जमीन विवादित है, जो जमीन अपनी है, वहां पर मस्जिद हो ही नहीं सकती है, वहां पर मदरसा कैसे बनेगा? ये सारी बातें कही जाती हैं। और अभी तो देखिए वहां से अतिक्रमण था, हटाने गए, उसके बाद बवाल राशिद शरीफ ने अलग सुर पकड़ के रखा हुआ है। मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि या तो जमीन खरीदी गई हो या उसको किसी ने गिफ्ट किया हो, वक्फ की गई हो। हल्द्वानी के प्रशासन से मैं बात कर रहा था अभी आज सुबह, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया, पहले से नोटिस दिया गया था। और हल्द्वानी में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, वहां अवैध जमीनों के बहुत सारे और भी मसले हैं और सरकार की निगम की कार्रवाइयां, नोटिस वगैरह जाते रहते हैं उन लोगों को, कोर्ट कचहरी भी होता है। लेकिन मैं जिस तरह का देख रहा हूं कि जिस तरह का दंगा हुआ है और जिस तरह के हालात हुए हैं, थाना जो लोगों की हिफाजत करने के लिए है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए है, अब भाई आप कौन से इस्लाम के लिए लड़े हो, कोई पूछने वाला हो इनसे, उस इस्लाम के लिए कि जिस इस्लाम ने ये बताया है कि मस्जिद तो खरीद करके बनाई जाएगी, मस्जिद तो गिफ्ट की हुई, मस्जिद मदरसे के लिए खून रेजी नहीं करेंगे हम लोग, आप उस इस्लाम के लिए उन मुहाफिजों को, उन सुरक्षा कर्मियों को जला रहे हो जो आपकी सुरक्षा के लिए वहां थाना बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि ये मैं देख रहा हूं यूसीसी का गुस्सा है, ये मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो कई कई महीनों से नौजवानों को भड़का रहे हैं, ये वो गुस्सा है, ये मस्जिद मदरसा तोड़ने की बात नहीं, ये तो बहाना बन गया है, ये यूसीसी का गुस्सा है। और ये सारी वो भड़काने के रिजल्ट्स हैं जो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि हमारा नौजवान भड़क जाएगा, सड़कों पर आ जाएगा, ये कर देगा। और मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा हूं आपके टीवी चैनल पर बैठकर कि इसकी जिम्मेदारी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर डालनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इस देश में जो दंगा कराएगा वो नुकसान की पूर्ति करेगा। जो योगी जी ने नियम बनाया है उत्तर प्रदेश में, मुझे, मैं ऐसी उम्मीद अपने पुष्कर सिंह धामी से भी करता हूं, सीएम उत्तराखंड से, कि जिसने दंगा कराया है, जिसने सारी योजनाएं बनाई यूसीसी वाले गुस्सा है क्या की है, सारा नुकसान जो बात वजाहत कासमी जी कह रहे हैं, और इसीलिए शायद आप भी इतने बौखलाए हुए। बिल्कुल यूसीसी वाला गुस्सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे नहीं नहीं सर, बराबर मेरे को भी तकलीफ है यूसीसी के बारे में, कराई मामलों में मदाखिलत नहीं करना है सर, हम आपके गीता के मामले में, रामायण के मामले में, अगर कुछ आप कानून जो आप चल रहे हैं उस पर अगर हम कुछ अलग करना चाहे तो आपको भी तकलीफ नहीं, नहीं पहले बोलिए राशिद शरीफ, तकलीफ नहीं है, क्या मैंने ठीक सुना आप कह रहे हैं यूसीसी वाला गुस्सा है, इसीलिए हल्द्वानी में जला दिया गया थाने को, इसीलिए पुलिस पर पथराव किया गया? शरीयत में मुदाखलत कैसे है? नहीं मेरे भाई इनसे पूछो शरीयत में मुदाखलत कैसे है यूसीसी, जरा समझाएंगे मुझे एक मिनट के लिए, इस्लामी स्कॉलर मैं हूँ कि राशिद शरीफ है? नहीं नहीं वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी जी, वो चर्चा यूसीसी पर होती रही है कि कैसे दखल है नहीं है, पहले एक बार मैं दोबारा, नहीं नहीं राशिद शरीफ पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वजाहत कासमी जी एक मिनट, राशिद शरीफ मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, जो बातें कही है वजाहत कासमी जी ने कि ये यूसीसी वाला गुस्सा है इसीलिए हल्द्वानी में जला दिया गया, आप कह रहे हैं कि यूसीसी वाला गुस्सा है, मैंने ठीक सुना? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो हमारे खासमी साहब बोल रहे हैं, अगर उन बोल रहे हैं कि ये गुस्सा उसका है तो आप उनसे पूछ लीजिए ये गुस्सा किसका है, और उनको गुस्सा नहीं आता तो मेरे को ताज्जुब हो रहा कि उनको क्यों गुस्सा नहीं आ रहा, अगर उनको गुस्सा नहीं आ रहा तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको क्यों गुस्सा नहीं आ रहा। चलिए आप देखिए, आप मैं भी दहशतगर्द बन जाऊं, मौलाना है खासमी है, इसको जला दूं, यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम की दहशतगर्द है, यही इस्लाम की दहशतगर्द है, बुलडोजर चलाओ आप, हम दहशतगर्द है, यही इस्लाम की, घर तोड़ो आप हमारे, हम दहशतगर्द है, मैं भी तुम्हारे मदरसे मस्जिद तोड़ो आप, हम दहशतगर्द है, हमें शर्म नहीं, क्या हम आवाज उठाना, घर हमारा टूट रहा बोल के आवाज उठाना, उसको बचाने की कोशिश करना, वो भी दहशतगर्द है, थाने जलाकर, थाने जलाकर आवाज नहीं उठाई जाती मौलाना, अगर आपका घर होता तो मालूम होता उसमें, आपका घर नहीं है ना, आप बैठ के बात कर रहे हैं सुकून से, अगर घर आपका उसमें होता, सुनिए आपका मदरसा होता तो मैं भी घर में रहता हूँ, मैं भी घर में रह रहा हूँ। वजाहत कासमी जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी मेहमानों का रुक कर रहा हूँ। राशिद शरीफ जिस जगह पर वो निर्माण था वो जगह नजूल लैंड थी, वो जगह उन लोगों की नहीं थी, ये बात कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखिए।
फिर उसके बाद आवाज उठाया करिए। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं विक्रम सिंह जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेहरदीन के पास जा रहा हूं। मेहरदीन, राशिद शरीफ मान रहे हैं कि ये यूसीसी वाला गुस्सा है जो हल्द्वानी में निकल गया, आप भी मान रहे हैं क्या ऐसा? देखिए मैं एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड जो सरकार है वो खुद को सबसे अधिक मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई है। लगातार चुन चुन कर मजारों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों की संरक्षण दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री भी जानबूझकर असमित बयान देते हैं, और सरकार यूसी पर भी इतने अच्छे से लाई है कि किसी भी तरह के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात और बात बताऊंगा, क्या मस्जिद और मदरसे ही क्या अवैध बने हुए हैं? जो रोडों पर मंदिर बने हुए हैं उनके कागज दिखा लीजिए, फिर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मगर भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर मुसलमानों की चुन चुनकर उनकी धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और बताकर अवैध है, और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं। मेहरदीन, ये सारी बात मैं करूंगा, पहले मुझे बताइए हल्द्वानी में जो हुआ ये यूसीसी वाला गुस्सा है या नहीं है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये यूसीसी वाला गुस्सा है कि नहीं है, हाँ या ना? नहीं, आप बार बार उत्तराखंड सरकार, मैंने आपको भी बताया चुन चुन कर पहले हमारे जितने भी जो है, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि यूसीसी का गुस्सा है कि नहीं है? अब मस्जिद को तोड़ने की बात है, अब जो है मदरसों को तोड़ने की बात है। नहीं नहीं, मेहरदीन उस पर भी आऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ हल्द्वानी में जो हुआ ये यूसीसी वाला गुस्सा है कि नहीं है, या वहीं का गुस्सा है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं, ये किसी तरह का गुस्सा नहीं है। अगर आपके भी कोई धार्मिक स्थल तोड़े जाएंगे अवैध बताकर जो 500-500 400-400 300-300 साल पुराने हैं, ठीक, तो चलिए एक बात आपकी अच्छी है मेहरदीन, की ये यूसीसी वाला गुस्सा नहीं है। अब चलिए दूसरा सवाल लीजिए, अरे सुनिए भाई, दूसरा सवाल लीजिए ठीक है। दूसरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं धार्मिक जगह तोड़ी गई, वो मस्जिद मदरसा किस जगह पर बना था, क्या वो मुस्लिम समुदाय का था, हाँ या ना, ये बताइए। देखिए जितनी भी खानकाह बनती हैं या हमारे मदरसे या मस्जिद बनती है, अभी मुक्ति बाजार कासमी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, या तो खरीद के बनती है या कोई अपनी संपत्ति को जो है वक्फ कर देता है। मगर वो तो मुसलमानों की, अब यही तो बात है, जब दंगा हो जाता है या उस दंगे के पहले से जो साजिश होती है, तो कई सारे बहुत सारे हमारे जो पुलिस के अधिकारी, उन्होंने बाकायदा किताबें छापी हैं, अपने अपने आर्टिकल छापे हैं कि सरकार के बिना चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सरकार जानबूझ के दंगा करा रही है। और अरे सुनिए मेहरदीन सुनिए ना, आप पॉलिटिकल, या तो किसी पार्टी का, सुनिए या तो मेहरदीन आप किसी पार्टी का ठप्पा लगवा कर आकर पैनल पर बैठिए, तो मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने नहीं पूछा था किसकी साजिश है, नहीं है, क्या है, इसीलिए हमने पॉलिटिकल गेस्ट बुलाया नहीं। नंबर एक बात, नंबर दो बात है, मैंने सीधा सवाल पूछा था विक्रम जी इनसे, और सीधा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसा, तो क्या वो किसी की जमीन थी, क्या वो वक्फ किया हुआ था? जवाब है विक्रम जी की वक्फ नहीं किया हुआ था, जवाब है कि वो नजूल लैंड है जो जानकारी है, जवाब ये है कि 30 तारीख को बाकायदा नोटिस भी दिया गया था, जवाब ये है कि कोर्ट का भी आदेश है कि यह अतिक्रमण हटाओ, लेकिन मेहरदीन को साजिश लग रही है और राशिद शरीफ को विक्रम जी ये गुस्सा लग रहा है यूसीसी का। राकेश जी नमस्कार, अगर मैंने काला चश्मा पहन रखा है तो आपकी सारी दलील मैं एक सिरे से खारिज कर रहा हूं कि आप मेरा शोषण कर रहे हैं। अरे विद्वान मित्रों, आलिम फाजिल हो आप लोग, जरा सी आपको तकलीफ हो कि नाजायज कार्रवाई पुलिस और इंतजामिया कर रही है, तो एक छोटी सी दरखास्त 100 रुपए की लगा दें अदालत में कि पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, पुलिस वाले वहीं बर्खास्त हो जाएंगे। लेकिन ये कह देना बड़ा आसान है कि पुलिस वाले जो है इशारतन सबके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मदरसे डिमोलिश कर रहे हैं, मस्जिद। आप जब एक सेट नैरेटिव है, पैटर्न, और मेरा इसमें काफी अनुभव है, पहले तुम नाजायज काम करो, जब नाजायज काम हो जाए, जब पकड़ा जाए, तो उसके ऊपर जब कार्रवाई हो तो विक्टिम कार्ड, अरे सारे मस्जिद गिराए जा रहे हैं, उसके बाद जो है मस्जिद गिराई जा रही है। अब जरा पहले शांत हो जाए, पहले बात सुने, आज तक की बात सुनी गई है, पहले बात सुने, और कोई भी सवाल करना है तो राकेश जी के जरिए कीजिएगा। ये सारे इंतजाम और ये सारे आरोप निराधार है, ये राशिद शरीफ साहब के भी आरोप निराधार है, रंगरे साहब के भी आरोप बिल्कुल निराधार और बेसलेस है। इनको जरा सी शिकायत हो, जाके अदालत में जाए, अदालत कोई नहीं जाएगा,
ये सब यहाँ आकर के सब चिल्लाएंगे कि आप हमारे शोषण कर रहे हैं। अब ये धमकी दपाटे की बातें जो है ये अब इसके जमाने हो गए खत्म। जो लोग जो धमकी दपाटे दे रहे हैं ना राकेश जी, जो धमकी दपाटे दे रहे हैं, अरे रुकिए मेहदील और आशीष शरीफ जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ी सी हकीकत सुन लीजिए विक्रम जी से। पुलिस विभाग के मुखिया रह चुके हैं, पुलिस कैसे काम करती है और अगर मनमानी करती है तो कैसे एक्शन करती है, अपने मित्रों को बता दीजिएगा जो हल्द्वानी में बैठे हुए हैं। पुलिस का हर काम जुडिशियल स्क्रूटनी के जरिए होता है, जुडिशियल स्क्रूटनी के जरिए, आपकी स्क्रूटनी के नहीं, आपकी स्क्रूटनी के मोहताज हम लोग नहीं है, जुडिशियल स्क्रूटनी और कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रूटनी के। जरा सी एक गलती हुई पुलिस अफसर का इंतजामिया का कैरियर खत्म हो जाएगा। आप बिजनेस रहने दें, आप विक्रम जी एक सवाल में, अरे रुकिए मेहदील, अभी सिर्फ विक्रम जी की आवाज होने जा रही है, रुक जाइए, रुकिए विक्रम जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ, और क्योंकि जो जानकारियां हैं, एक महिला पुलिसकर्मी को हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से वो रोने लगी थी, एक SDM जो मौके पर तैनात थे वो दीवार के पीछे छिपकर उन्होंने जान बचाई, उपद्रवियों के सिर पर खून सवार थे, मानो वो पुलिस के जवानों की जान ले लेना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि ये UCC के बहाने या फिर चुनाव से पहले ये सुलगाने की साजिश है, माहौल खराब करने की साजिश है? राकेश जी सुनियोजित तरीके से सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, तजुर्बेकार हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या वो पेट्रोल पंप बना सकते हैं, पलीता लगा सकते हैं, फेंक सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके इंतजाम किए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स लाए जाते हैं। DM वंदना सिंह ने कहा कुछ दिन पहले छतों की जब स्क्रूटनी की गई थी ड्रोन से, एक पत्थर नहीं था, आज पत्थरों की भरमार थी, ये कहां से आ गए पत्थर? अब ये बात आती है सुनियोजित तरीके से एटमॉस्फेयर बिगाड़ने के लिए, अगर ये दंगे किए गए राकेश जी ये तो शायद इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए, या इसका ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन ये भयावह स्थिति है, महिलाओं को जिस तरीके से पीटा गया, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, मैं तो चाहूंगा कि जो भरपाई होनी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, चलिए ठीक है, ठीक है विक्रम जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, समय कम है, अब मेहदील और आशीष शरीफ जी आप दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए 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 सुनिए, अभी रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है, अरे रुकिए सुनिए सुनिए सुनिए, 30 तारीख को नोटिस भेजा गया था कि भाई ये अतिक्रमण हटाइए वरना कार्रवाई होगी, 30 तारीख आज है 9 तारीख, पिछले हफ्ते दिन 8 दिन में क्या कोई याचिका दाखिल की गई है कि भाई ये नोटिस गैर कानूनी है, इस पर स्टे दिया जाए? मुझे बताइएगा, मुझे जानकारी नहीं है, क्या क्या ये नोटिस दिया गया, क्या ये कोर्ट में पहुंचे याचिका डाली, हाँ या ना में जवाब, मेहदीन आपके पास कोई जानकारी है? देखिए मेरे पास जानकारी है, कोर्ट में गए हैं, मगर कोर्ट जो है सुनने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है अदालतों का, ये सबको मालूम है, और 6 हमारे मुस्लिम भाइयों को पुलिस की गोली से शहीद हो गए, 6 लोगों को पुलिस सुनने पड़ती था। अरे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, पुलिस का क्या, अरे कोर्ट ने क्या कहा मेहरदीन, कोर्ट ने क्या कहा? मेरी जानकारी में नहीं है कि याचिका डाली गई कि नहीं डाली गई, आपकी जानकारी में है तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अभी हम सुनने के, अभी थोड़ा समय ले गए, समय के बाद सुनेंगे बात को, तो वो तो लंबा इंतजार हो जाता है, सरकार की कार्रवाई पहले हो जाती है। अच्छा। सरकार तो चाहती है किसी तरीके से मुसलमानों की जगह को, उनके मदरसों को, उनकी मस्जिदों को, नहीं नहीं ठीक है, कोर्ट ने कहा कि थोड़े दिन बाद सुनेंगे, कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण है गिरा दो इसे, पुलिस की टीम जाती है, मतलब एक लाइन में सीधा सा संदेश है मेहदील राशि शरीफ जी कि आप लोगों ने तय करके रखा हुआ है कि भाई हम कोर्ट की सुनेंगे नहीं, हम खुद फैसला करेंगे, इस देश में सड़कों पर उतरेंगे, जंग होगी, ये आप लोगों की भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सोच बदलिए सर, हिंदुस्तान बदल रहा है, ना तो लोग स्वीकार करेंगे ना तो आज की सरकारें स्वीकार करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए।